अप्रैल में चलेगी प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे को मिली रेलवे बोर्ड से बड़ी खुशखबरी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 6 दिन होगी संचालित। बुधवार को जयपुर में मेंटेनेंस के चलते संचालित नहीं होगी ट्रेन। 4 घंटे 5 मिनट में ट्रेन यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी। दिल्ली रेल रूट की स्वीकृत स्पीड जो है वो 130 KMPH होने से कम गति से चलेगी। जयपुर से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 12:05 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से शाम 6:30 चलकर रात 10:35 पर जयपुर आएगी। बीच में अलवर और रेवाड़ी दो स्टेशनों पर ही ठहराव होगा। इसी माह के अंत तक जयपुर आ जाएगा ट्रेन का रैक। और आपको बताएं कि ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 19 मार्च को वैष्णव का जयपुर आगमन प्रस्तावित है। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी। जी दीपिका, बिल्कुल, देखिए बड़ी खुशखबरी है ये राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि अभी तक एक भी वंदे भारत ट्रेन राजस्थान से नहीं चली है और ये पहली ट्रेन है जो कि जयपुर से दिल्ली के बीच संचालित होगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने शेड्यूल भेज दिया है NWR को। हालांकि ये शेड्यूल अभी टेंटेटिव है, जिसके मुताबिक जयपुर से जो ट्रेन है सुबह 8 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:05 पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी और वापसी जब इसकी होगी शाम को 6:30 दिल्ली से रवाना होगी नई दिल्ली स्टेशन से और रात 10:35 पर जयपुर पहुंचेगी। तो इस दौरान करीब 4 घंटे और 5 मिनट का समय लगेगा। हालांकि वंदे भारत ट्रेन के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये समय काफी ज्यादा है। माना ये जा रहा था कि 2 से 2.5 घंटे में ये ट्रेन यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली रूट की अगर बात करें तो जो अभी तक इसका अधिकतम जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे ही है, यानी इससे अधिक स्पीड से ये ट्रेन नहीं चल सकती है। तो इसी वजह से फिलहाल जो समय है वो ज्यादा रखा गया है ट्रेन के दिल्ली पहुंचने का और करीब 4 घंटे 5 मिनट में ये दिल्ली पहुंचाएगी यात्रियों को। और इसी महीने की संभावना है कि मार्च के अंत तक ही इसका जो रैक है ट्रेन का वो जयपुर पहुंच जाएगा और जयपुर में ही ट्रेन का मेंटेनेंस होगा। खातीपुरा में इसके लिए मेंटेनेंस यार्ड बनाया गया है और पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने इसके लिए बजट भी स्वीकृत किया था। बजट में भी घोषणा की गई थी कि जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर आदि स्टेशनों पर भी वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के स्टेशन बनेंगे, यार्ड बनेंगे। तो उस लिहाज से ये बड़ी तैयारी है और चूंकि 19 मार्च को अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी जयपुर आगमन प्रस्तावित है, ऐसे में वो भी इस ट्रेन को लेकर अधिकृत घोषणा कर सकते हैं। चलिए ठीक है काशीराम, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।